की एक अहम बैठक पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अटवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब से प्रभारी डॉक्टर परमेंद्र शर्मा व नंगल मंडल के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। इस बैठक में पंजाब सरकार की औद्योगिक इकाई PACL से विगत दिनों बदले गए 5 कर्मचारियों का मुद्दा छाया रहा और अक्टूबर माह में होने वाले नंगल नगर काउंसिल के चुनावों की तैयारी की भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के विधानसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब से प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा व नंगल मंडल भाजपा के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने विशेष तौर पर हिस्सा लिया। इस बैठक में नया नंगल में स्थित पंजाब सरकार की औद्योगिक इकाई PACL से विगत दिनों बदले गए 5 कर्मचारियों का मुद्दा छाया रहा और अक्टूबर माह में होने वाले नंगल नगर कौंसिल के चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बैठक के उपरांत पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल, विधानसभा क्षेत्र से आनंदपुर साहिब से प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा व नंगल मंडल भाजपा के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने कहा कि PACL से बदले गए 5 कर्मचारियों की बदली राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता के इशारे पर ये 5 बदलियां की गई हैं, क्योंकि बदले गए सभी कर्मचारियों का संबंध भारतीय मजदूर संघ से था। इन नेताओं ने कहा कि हैरानी इस बात को लेकर भी है कि इन कर्मचारियों की बदली उस समय हुई जब देश में कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे चरम पर था और इन 5 में से एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में आकर वापस लौट चुका है। इन नेताओं ने कहा कि इकाई का कोई भी उत्पादन गुजरात के कच्छ में तैयार नहीं होता, फिर भी 5 लोगों को यहाँ से बदल दिए गए। इन नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नंगल नगर कौंसिल चुनाव के लिए पूरी तैयार है और पूर्ण जीत प्राप्त करेगी, चाहे सत्ता पक्ष किसी भी तरह की हथकंडे अपना ले। आज दी मीटिंग दा प्रेस कॉन्फ्रेंस दा मुख मुद्दा PACL दे विच मुलाजमा दे नाल होई धक्केशाही दे विरुद्ध आवाज़ उठाना सी, क्योंकि पिछले कुछ समय तो राणा KP सिंह जो इलाके दे अंदर धक्केशाही दा राज चला रहे हैं। अब कोरोना दे दौरान असी देखिया कि पुलिस नू एडे अधिकार दे दिते गए कि भई जनता दे नाल बड़ा धक्का कीता कई जगह, और इत्थे मुलाजमान दे नाल PACL दे विच अज तक कदे ट्रांसफर नहीं सी हुई। साडे भारतीय मजदूर संघ दे 5 मुलाजम जिहड़े है वह बदल दिते गए गांधी धाम कच्छ एरिया दे विच गुजरात दे अंदर। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि कोविड दे करके सानू हले ना बदलिया जाए, क्योंकि कोविड का बहुत बड़ा खतरा है और अज के समय में गुजरात वर्गे सेंसिटिव जिथे कि कोरोना पहले ही बहुत ज़्यादा सी उत्थे भेज दिते गए और उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आ गया। सानू बहुत चिंता कि बाकी जिन्हां लोगों ने उन्हां उस कोरोना पॉजिटिव मुलाजम के नाल सफ़र किया उत्थे रहे उन्होंने भी खतरा बहुत ज़्यादा है। और दूजी गल, बहुत सारे घोटाले इस तरह के PACL च होए, अधिकारियों ने PACL च बहुत बड़े घोटाले किए, असी उदी सारी CBI तो जांच करावांगे। पार्टी जिला रोपड़ पंजाब सरकार जदों भी इलैक्शन म्यूनसिपल कमेटी की करवाना चाहती है वह करा ले। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इलैक्शन लड़न वास्ते बिल्कुल तैयार बर तैयार खड़ा है। बेशक वार्डबंदियां अपने मुताबिक करा ले, बेशक जरनल नू रिजर्व करा ले, बेशक रिजर्व नू लेडी करवा ले। साडे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन्हां दी हर एक चुनौती का सामना करने वास्ते तैयार बर तैयार खड़ा है। जदों भी ये सरकार अनाउंस करेगी इलैक्शन, भारतीय जनता पार्टी बड़े दमखम दे नाल इहदे च कुदेगी और पूरे जिले दे विच एक भी इस तरह की कौंसल नहीं छड्डांगे जिथे भारतीय जनता पार्टी का परचम ना लहरावे। और इन्हों दसांगे कि काम किदा होंदे ने और इहदे तों बाद इन्हां दे घपलियां दी घोटालियां दी चंगे पद्धर ते CBI तों जांच करवा के इन्हां नू अंदर जेलां तक पहुँचाउण दी कोशिश करांगे।